गुरु नानक देव एक बार घूमते घूमते एक गांव में उपदेश देने के लिए ठहर गए। ग्रामवासियों ने उनका स्वागत बड़े ही प्रेम स्वभाव से किया। काफी लोगों ने ध्यान से उनका उपदेश सुना, उनकी बातें मानी और उनके द्वारा दिए गए उपदेश को अपने जीवन में उतारने का वचन भी दिया। दूसरे दिन नानक जी चलने लगे तो उन्होंने ग्रामवासियों को आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। शिष्यों ने सुना तो दंग रह गए पर कुछ नहीं बोले। शाम होते होते वे दूसरे गांव में जा पहुंचे। इस गांव के लोग कुछ असभ्य थे। वहां के लोगों ने उनका खूब तिरस्कार किया, कटुवचन कहे, अपशब्द कहे। उस गांव के लोग तो लड़ने झगड़ने तक को भी उतारू हो गए। नानक जी वहां से दूसरे दिन रवाना हुए तो हंसते हुए बोले, इकट्ठे रहो। शिष्यों ने सुना तो आश्चर्यचकित रह गए। एक शिष्य से नहीं रहा गया, वह पूछ बैठा, भगवान आपने बड़े ही विचित्र आशीर्वाद दिए हैं। स्वागत सत्कार करने वालों को तो आपने उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया और तिरस्कार करने वालों को इकट्ठा रहने का आशीर्वाद दिया है। आखिर इन विभिन्न आशीर्वादों का रहस्य तो बताइए। नानक जी की मंद मंद मुस्कुराहट बिखर पड़ी। हंसते हुए बोले, सज्जन लोग उजड़ेंगे तो वे जहाँ भी जाएंगे अपनी सज्जनता के बल पर उत्तम वातावरण बना लेंगे, पर दुर्जनों का तो एक ही जगह बने रहना शुभ है।